नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल। में हूं आपके साथ महेश जैन। नीमच जिले में बंजारा समाज के आराध्य देव रूप जी महाराज की 513वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष में आज बंजारा समाजजनों द्वारा जिले में वाहन रैली निकाली गई। बंजारा समाज के आराध्य श्री रूप जी महाराज की 513वीं पुण्यतिथि पर आज नीमच में वाहन रैली का आयोजन किया गया। नीमच जिले से वाहन रैली में सैकड़ों समाजजन शामिल हुए। श्री रूप जी महाराज की 513वीं पुण्यतिथि के अवसर पर अपने वाहनों पर धर्म ध्वजा लगा हुए वाहन रैली रामपुरा से सुबह 10 बजे रवाना हुई, जो कुकड़ेश्वर मनासा बाधवा माता जवासा चौराया होते हुए 4 बजे नीमच पहुंची, जहां शोरूम चौराहे से डीजे के साथ वाहन रैली फव्वारा चौक पहुंची, जहां विधायक दिलीप सिंह परियार सहित भाजपा कार्यकर्ताओं ने रैली का स्वागत किया और विधायक परियार ने बंजारा समाज के आराध्य देव श्री रूप जी महाराज के चित्र पर माल्यार्पण कर आशीर्वाद लिया। इसके बाद टैगोर मार्ग लायंस पार्क होते हुए रैली कलेक्ट्रेट चौराहे पहुंची। उसके बाद वाहन रैली बामनिया धाम निकली, जहां रूप जी महाराज की पुण्यतिथि में 3 दिवसीय मेला आयोजित होगा, जिसमें 9 फरवरी को मध्य प्रदेश और राजस्थान के समस्त बंजारा समाज द्वारा बामनिया में रैली निकाली जाएगी। बंजारा समाज जो कि भारत के कोने कोने में बसी हुई है, और इस बामनिया बंजारा समाज के जो संस्थापक है और वो आराध्य देव है, वो श्री रूप सिंह जी महाराज, उनकी 513वीं पुण्यतिथि के अवसर पर जो उनका निर्वाण स्थल है बामनिया कला, तहसील रेलमंगरा जिला राजसमंद, वहाँ हमारा वो मंदिर बना हुआ है, वहाँ हमारे बाबा की छतरी बनी हुई है, उनके मूल विग्रह पर बड़े गाजे बाजे के साथ हम पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। और वो 9 तारीख को पूर्णिमा के दिन शांत हुए थे, इसलिए इस उद्देश्य को लेकर यह आयोजन किया जा रहा है, क्योंकि सर्वाधिक भारतवर्ष में बामनिया बंजारा समाज के लोग जो अपने नीमच जिले में रहते हैं, इसलिए यहाँ से गाजे बाजे के साथ लगभग हर क्षेत्र से यात्री जैसे वहाँ पहुँचेंगे, और कल वहाँ बड़ी शोभा यात्रा निकलेगी और बाबा को पुष्पांजलि कार्यक्रम अर्पित।